क्या बात, कंपनी के बाहर खड़े आप गेट पे? जी हमने हमारे को बिना नोटिस के निकाल दिया गया बाहर। हमारे यहाँ पे किराए पे हम रहते हैं, बच्चे रख रखे हैं, स्कूल में नाम डाल रखे, और उनका कोई हमारे पास साधन नहीं है कमाने का, तो हम क्या करें लास्ट में? कंपनी के बिना उससे निकाल दिया, बिना नोटिस के निकाला हुआ। लगा और बोलो, हाँ जी और कोई बोलो। एक दिन में ऐसे रुकी, एक रात को रुकी है, सुबह ताला लगा दिया कंपनी वालों ने, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं दिया है, ऐसे बोल दिया कि बंद है जी कंपनी। और आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? आप प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जो कार्रवाई होती है वो करती है, जाए और जो है हमारा करिए जाए, जो बनता वो देना चाहिए कंपनी को, ऐसे कंपनी एक दिन में निकाल देंगे। अब कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? बोला भी नहीं है हम तला लगा रहे हैं, बिगर बोले तला लगाए, ना नोटिस ना कुछ। सर दो ढाई साल हो गए, शुरू में बोला था कि आपको 6 महीने बाद परमानेंट कर देंगे, अब वो पूछ नहीं रहे, कल परसों बोल दिया था कि जाओ आप, तो ऐसा थोड़ी होता है ना, नोटिस दिया, नोटिस तो दो ना कम से कम आप लोग। तो हमारी यही मांग है कि 1 महीने का नोटिस दो हमें, और 6 महीने की सर्टिफिकेट रखना है, फिर भी हमें नोटिस दो, साइन प्रॉपर बनाओ कि हमें नहीं। बोला भी नहीं है हम तला लगा रहे हैं, बिगर बोले तला लगाए, ना नोटिस ना कुछ। सर दो ढाई साल हो गए, शुरू में बोला था कि आपको 6 महीने बाद परमानेंट कर देंगे, अब वो पूछ नहीं रहे, कल परसों बोल दिया था कि जाओ आप, तो ऐसे थोड़ी होता है ना, नोटिस दिया, नोटिस तो दो ना कम से कम आप लोग। तो हमारी यही मांग है कि 1 महीने का नोटिस दो हमें, और 6 महीने की सर्टिफिकेट रखना है, फिर भी हमें नोटिस दो, साइन प्रॉपर बनाओ कि हमें नहीं निकालेंगे। अगर निकालोगे तब भी 1 महीने का पहले नोटिस, हमें 6 महीने की सर्विस चाहिए, हम कोई यहाँ पे मजदूरी थोड़ी कर रहे हैं। पहले बोला क्यों था आप लोगों ने कि 6 महीने आप परमानेंट कर दोगे, आप अब कहाँ गए, कहाँ भाग गए, शक्ल नहीं दिखा रहे हमें सामने अपनी। अगर बात करनी है तो बैठ के करो ना तुम लोग, ये थोड़ी सुबह 7 बजे तुमने आगे ताला लगा दिया, हम मैं फ्री में आए हैं यहाँ पे। नहीं आप अंदर किसी से बात नहीं, अगर कोई आई नहीं सामने, किसी से नहीं, कोई आगे नहीं आज आए, हेलो कुछ बोले, आए कह रहे जाओ, मैं उठा के बोल दिया, सिक्योरिटी वालों ने सिक्योरिटी बदल दिया बिल्कुल ही, जैसे लगे ऐसे यहाँ से भाई ऐसे भीख मांगने के तरफ आगे आए हैं, जो भाई कुछ खाएंगे पिएंगे, हम लोगों का कोई फैमिली नहीं है, इन लोगों की फैमिली है, जो भाई हम लोग चला दे बस, हम लोगों का चलते रहे और हम लोग मर जाए यहाँ। चलो आपने और कहीं किसी के पड़ोस में या किसी में कुछ किया फोन एप्लीकेशन वगैरह कुछ? सर ये हमारी कंपनी है स्मो, पीके जी इनका डेंसो और मरुती का टाइप है, और ये कम से कम 3 साल से चल रही है कंपनी में, तुम्हारा पीएफ पीएसआई सारा कुछ कट रहा है, बट अभी रिसेंटली 12-13 तारीख से हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और इन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में काम नहीं है, तो आपको हम निकाल रहे हैं। उन्होंने तो लास्ट टाइम 13 तारीख को हमें बोल दिया कि अभी आपकी हमारी कंपनी में कोई काम नहीं है, तो आपको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने उसके बाद हमने मीटिंग की इनके साथ बैठे कि हमारा जो भी हिसाब था हमारा पूरा क्लियर करो, तो इन्होंने अभी तक कोई इनका डिसीजन नहीं आया हमारे पास, तो इसके लिए हम चाहते कि कोई हमें प्रशासन से मांग करते कि कोई हमें सारा कुछ क्लियर हमारा कर दें, 6 महीने की हमारी सैलरी और प्लस इनको नोटिस देना चाहिए 1 महीने। हाँ जी, विदाउट नोटिस पीरियड लोगों को बाहर दिया गया है, स्टाफ भी और वर्कर भी, उसने स्टाफ दिया सारा और वर्कर दिया। तो इन्होंने अभी रिसेंटली 14 तारीख को इन्होंने कहा कि कल से 15 तारीख से कंपनी बंद हो रही है, तो आप लोगों ने आना नहीं अभी। बट हमारी मांग ये है सर कि 1 महीने का अगर इन्होंने 15 तारीख को डिसाइड कर ही लिया था कि कंपनी को इन्होंने बंद करना है, तो हमको 1 महीना पहले ही नोटिस दे देते उस बात का कि हम लोगों ने कंपनी बंद कर दी है, तो नोटिस लगा के हम लोग अपना जो भी है क्लियर करके, हमारा जो भी बनता है जितना भी है वो क्लियर करके हमारा सारा जो कर देते हैं। हमारा एचआर वाला बात कर रहा है ना, मैनेजमेंट कोई बात कर रही है हमारे साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी स्टाफ वाले भी सारे यहीं पे खड़े हुए और वर्कर भी सारे यहीं पे खड़े हुए जितने भी हैं सारे। तो अभी हमारी मांग यही है कि प्रशासन से कि जो भी मतलब कार्रवाई बनती है वो करी जाए और इंसाफ दिलाया जाए। वर्कर कितने साल से काम कर रहे हैं अभी? सर करीब करीब 2.5-3 साल हो गए लड़कों को यहाँ काम करते हुए, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको 5-6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए।
तो रिसेंटली कंपनी हमारी 3 साल से चल रही है, शोरूम जो कंपनी है ये 3 साल से चल रही है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी पूरी मांगे पूरी की जाए, क्योंकि सारे यहाँ पे बाल बच्चे वाले हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनका कोई आगे रोजगार का साधन नहीं है अभी, तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो सारा कुछ क्लियर किया जाए कंपनी से।